Good morning, children. This is our English language class. In this class, we are going to complete chapter 4, Satya Watch Out. So, children, we have completed the comprehension of page 41. Now, this is page 42. Children, here you can see a picture. Now, look the picture carefully. And now, we have to take the correct option. The family dash a room, cleans, paints. So children, we can see in the picture the family is cleaning the room. So the correct option is cleans. The woman sweeps or dusts the table lamp. The man vacuums, sweeps the shelf. You can see here, vacuums. The girl waters, mops the table. Mops. You can see here. The boy dash the window, wipes or opens, wipes the window. Here. Next, page 43, circle the action words in these sentences. So children, action words are the words that show some actions like paint, punch, fly, swim, kick, etc. Okay. So now we have to circle the action words in these sentences. So first one, the boy laughed loudly. Next, we walk to the market. So which one is the action word here? Which word shows you some action? That is walk. Okay, walk. एक्शन वर्ड किसको बोलेंगे जिस वर्ड से कोई भी एक्शन यानी कोई भी काम समझाया जाएगा वो होता है एक्शन वर्ड. ओके, जैसे कि यहाँ पे क्या, वी वॉक. वॉक यहाँ पे एक एक्शन वर्ड है. एक्शन वर्ड का एक और नाम होता है वर्ब. ओके, नेक्स्ट नंबर 3, द बसेस मूव वेरी फास्ट. द बसेस मूव वेरी फास्ट. सो विच वन इज द एक्शन वर्ड हियर? मूव. वेरी गुड. Next, number 4, they play with a puppy. Play with a puppy. Play, yes. Play is the action word here. We see the red train. We see the red train. So, see here is the action word. My dogs bark loudly. Bark. Okay. These are the action words in those given sentences. Next, underline the correct word. Children, they go to the park. This is wrong. They go to the park. Children, now, when we write action word with he, she or name of a person, okay, name of a person or any animal, any one animal, then we add s or sometimes we add es with the action word the or the verb. Okay, like here, look at the sentence. Misha, name of a girl. So we write drinks. Here you can see we add s, so drink is wrong here because you can see Misha is name of a person, so we add s with the action word drink.
तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी हम लोग देखो एक्शन वर्ड के साथ कभी एस कभी कभी ईएस भी हम लोग ऐड करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, कब करते हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझना है। देखो जो ही शी रहता है या फिर नेम रहता है कोई एक पर्सन का या फिर कोई एक एनिमल का रहता है नेम, तो उसके साथ हम लोग एस ईएस या तो एस कभी कभी फिर यस भी ऐड करते हैं एक्शन वर्ड या फिर वर्ब के साथ, ठीक है। पर किसके साथ नहीं करते हैं, जैसे कि वी यानी प्लूरल हो जाएगा तब वी यू दे, ठीक है, ये सब रहेगा तो हम लोग, या फिर नेम जब रहेगा नेम तब क्या हो जाएगा, मोर देन वन पर्सन के अगर नेम होंगे तो हम लोग वहाँ पे एस यस नहीं ऐड करते हैं। जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं दे है, दे प्लूरल दे है, तो क्या है, दे के साथ गो होगा ना कि गोज नहीं होगा, ठीक है। एक्शन वर्ड के साथ एस एस ऐड नहीं होगा। तो आप लोग एक ही को याद रखिए कि किसके साथ ऐड हम लोग करेंगे, ठीक है। तो फिर आपको ये भी याद रह जाएगा कि किसके साथ ऐड करना नहीं है। तो हम लोगों ने क्या बताया कि ही होगा शी होगा या फिर कोई एक पर्सन कोई एक एनिमल का नेम होगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्शन वर्ड या फिर जिसको वर्ब भी बोला जाता है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, वर्ब लिख रहे हैं उसके साथ हम लोग एस या फिर ईएस ऐड करेंगे। जैसे सेंटेंस से हम लोग समझेंगे, जैसे पे मीशा, अगर मीशा को हम लोग लिखेंगे गो तो वो रॉन्ग हो जाएगा, मीशा क्या हो जाएगा, गोज, क्योंकि मीशा कोई एक पर्सन का नाम है। यही जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं मीशा गोज टू स्कूल, टू पर अगर हम लोग मीशा के साथ कोई एक और नाम, व्हेन यू ऐड अनदर नेम लाइक मीशा एंड एनी वन नेम लाइक रेनू एंड रेनू, तब क्या लिखेंगे, तब और गोज नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा हो गए ना, प्लूरल हो गए, तो लिखेंगे गो टू स्कूल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। नेक्स्ट, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड्स। नाउ वी हैव टू अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड्स। कहाँ पे हम लोगों को एक्शन वर्ड के साथ एस करेक्ट है, कहाँ पे एस नहीं है चाहिए, वो देख के हम लोगों को राइट वर्ड को टिक करना है। लाइक मदर, मदर बेक होगा या बेक्स होगा, मदर बेक्स। ओके, यू कैन सी मदर सिंगुलर नंबर हियर, नेम ऑफ अ पर्सन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेक्स। मारिया, नाउ आई नो यू कैन से दिस मारिया लाइक्स, वेरी गुड, मारिया लाइक्स। वी डू और डस, वी प्लूरल वी डू। तारा प्लेज और प्ले, तारा नेम ऑफ अ पर्सन सो प्लेज इज द करेक्ट वन। ही गोज और गो, ही गोज नॉट गो। हारून सिंग और सिंग्स, हारून नेम ऑफ अ पर्सन सिंग्स। ओके, सो प्रैक्टिस दिस वन, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट चिल्ड्रन, हियर आई हैव रिटन सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यू कैन सी सम ऑप्शंस आर गिवन हियर, सो लेट्स रीड द सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन हियर। फर्स्ट वन, ऑन डैश डे सत्या गोज टू द फार्म, ऑन विच डे, इज इट मंडे ट्यूजडे और संडे, संडे।
Satya goes to the farm with his father, mother or grandfather. Amma, Amma means mother, yes. Next, Satya sprints like a hare, spider or deer, sprints like a deer. In Tamil, Akka means, options are elder brother, elder sister or grandfather, elder sister. Satya leaps like a deer, langur or spider, leaps like a langur, yes. Satya never disturbs the class. Is it true, children? No, this is false. And then the last one. The farm is very near to Satya's house. Is it true or false? This is also false, because we have read in this text, it's a long walk to the farm. It's a long walk. It's a long way. So, this one is false. So, write this multiple choice questions, these questions in your copy, children, in your English copy. Note this all in your English copy. Okay? Thank you.